Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. Open your book, Countdown Book 6. Today the topic is natural number and whole number. Natural number. Natural number क्या होते हैं? Natural number होते हैं 1, 2, 3, 4 और ना ख़त्म होने वाले. इन्हें हम 1, 2, 3 एलिप्सिस से, ये जो तीन डॉट्स हैं एलिप्स कहते हैं, एलिप्सिस से हम इनको शो करते हैं, यानी ये चलते ही रहते हैं. नेचुरल नंबर इंक्लूड द नंबर 1, 2, 3, 4 और सो ऑन. नेचुरल नंबर को सेट में एन से शो किया जाता है. अगर कोई नेचुरल नंबर का सेट होगा तो वो एन से लिखा जाएगा, जिस तरह ये एक नेचुरल नंबर का सेट है जो 1 से लेकर 100 तक है. और अगर इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर लिए जाएं तो हम इवन नेचुरल नंबर को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें तमाम हम इवन नंबर्स लिखते हैं. जैसे अगर हम शुरू के 100 तक इवन नंबर देखें तो वो इस तरह से हम शो करेंगे कि 2, 4, 6, 8, 10, और इस तरह से हम बीच में एलिप्सिस दे देंगे और 100 तक. इसी तरह अगर हम कहें कि ओड नेचुरल नंबर्स, तो फिर हमारे ओड नेचुरल नंबर्स जो हैं वो, अगर हम 100 तक जाएं तो 99 जो है वो हमारा आखिरी ओड नंबर है, तो इस तरह से हम उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरे होते हैं होल नंबर. होल नंबर क्या होते हैं? बिल्कुल नेचुरल की तरह ही होते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें एक जो है वो ज़ीरो इंक्लूड कर दिया जाता है. यानी होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से शो करते हैं सेट के अंदर, और वो ज़ीरो से शुरू होता है. यानी नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं और चलते जाते हैं, और होल नंबर हमारे 0 से शुरू होकर चलते रहते हैं. और इसका जो छोटे से छोटा जो डिजिट होता है होल नंबर का, वो होता है 0, और बड़े से बड़ा वो लामहदूद है जहाँ तक आप ले जाएं. इसी तरह जो होल नंबर है उसके अंदर तमाम इवन नंबर मौजूद होते हैं. होल नंबर में हमारे पास तमाम जो हैं वो नेचुरल नंबर मौजूद होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर का, क्योंकि होल नंबर में एक डिजिट ज़्यादा होता है 0, और नेचुरल नंबर में ये नहीं होता. सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इस कॉल्ड डेसिमल सिस्टम. हमारे पास दो सिस्टम हैं नंबर्स के, देखें, एक है पाकिस्तानी सिस्टम, एक है इंटरनेशनल सिस्टम. पाकिस्तानी सिस्टम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास यूनिट्स हैं, इंटरनेशनल में भी यूनिट होते हैं. उसके बाद टेंस हैं, इंटरनेशनल में भी टेंस होते हैं. उसके बाद हंड्रेड्स हैं, इंटरनेशनल में भी हंड्रेड्स होते हैं. और उसके बाद हमारे पास थाउजेंड्स हैं, इंटरनेशनल सिस्टम के तहत भी हमारे पास थाउजेंड्स आते हैं. फिर 10,000 और फिर 10,000 होते हैं. अब जब यहाँ 100,000 होते हैं तो हम उसे पाकिस्तानी सिस्टम में लाख कहते हैं. यानी 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख. 1 लाख में 100,000 होते हैं. इसी तरह फिर 1 लाख के बाद आता है 10 लाख. 10 लाख जो है वो होता है 1 मिलियन. उसके बाद आते हैं 1 करोड़, वो होते हैं 10 मिलियन. उसके बाद आते हैं 10 करोड़, जो होते हैं 100 मिलियन. उसके बाद हमारे पास आता है अरब, 1 अरब, 2 अरब, और यहाँ हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसे बिलियंस कहते हैं. तो ये हमें टेबल को याद कर लेना है. इसके बाद है फेस वैल्यू. एक होती है फेस वैल्यू. फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू का मकसद है, अगर ये वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 394 या 394, इसमें जो 3 की जो फेस वैल्यू है वो 3 है, यानी 3 3 है, चाहे वो पहले हो या आखिर में हो, वो 3 ही कहलाएगा. और एक हमारे पास होती है प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू में क्या होता है? प्लेस वैल्यू में अगर हमारे पास लिखा हुआ है 394, तो इसमें जो 3 की वैल्यू है प्लेस वैल्यू, वो 100 थे, यानी ये 100 के बराबर है. ये 300 है, ये 3 नहीं है, 300 है. फेस वैल्यू में ये सिर्फ 3 था, लेकिन प्लेस वैल्यू में ये 300 है, यानी 3 × 100 इज इक्वल टू 300. तो ये हमें फ़र्क याद रखना है, फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ऑनलाइन शेड्यूल के मुताबिक टीचर से पूछ सकते हैं. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु.